Good morning, students. How are you all? I hope you all are happy, healthy, joy at your home. आज हम लोग हमारा नया चैप्टर लेके आए हैं जिसका नाम है सुंदरी और वो आपकी इंग्लिश की टेक्स्ट बुक मारीगोल्ड से लिया गया है. यूनिट 7. नेम क्या है इसका? सुंदरी. सुंदरी एक लड़की का नाम नहीं है. आप लोग फोटो देख रहे होंगे ना, किसकी फोटो है? क्या बताओगे, क्या है ये? राइट, ये है काइट. ठीक है, तो यहाँ पर जो सुंदरी है वो एक काइट का नाम है और एक किसी छोटे बच्चे ने जो बिल्कुल आपके जैसा है उसने इस काइट का नाम सुंदरी रखा है. क्यों? आप लोग के पास टॉयज वगैरह होते हैं तो आप लोग भी उसका नाम रखते हो ना. ऐसे ही एक छोटे से बच्चे ने इसका नाम क्या रखा है? सुंदरी. अब क्यों इसने उसका नाम सुंदरी रखा है तो हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे. ठीक है, चलो तो स्टार्ट करते हैं हमारा चैप्टर. सुंदरी वॉज अ बिग रेड वाइट एंड ब्लू काइट. व्हेन बॉबी मेट हर शी स्माइल्ड एट हिम. सुंदरी एक बहुत बड़ी रेड वाइट और ब्लू, ठीक है, ये तीन कलर है उस काइट के अंदर. वो उसका काइट के कलर थे रेड वाइट एंड ब्लू. ठीक है, व्हेन बॉबी मेट हर शी स्माइल्ड. जब बॉबी यानी जो लड़का है इसमें उसका नाम क्या है? बॉबी. ठीक है, बॉबी. तो बॉबी ने ना ये काइट बनाई है और काइट देख करके उसको क्या कर रही थी? स्माइल. ठीक है, यू आर ब्यूटीफुल एंड आई विल कॉल यू सुंदरी ही सेड. तो बॉबी ने है ना, बॉबी ने काइट से कहा कि तुम बहुत सुंदर हो तो मैं तुम्हें सुंदरी बुलाऊंगा. तो पता चला आप लोगों को कि इस काइट का नाम सुंदरी कैसे पड़ा? तो बॉबी को लगा वो बहुत सुंदर है, बहुत ब्यूटीफुल है. ब्यूटीफुल का मतलब होता है बहुत सुंदर, तो इसलिए उसने उस काइट का नाम रखा सुंदरी. वन डे बॉबी टुक सुंदरी टू द फेयर. फेयर मतलब क्या होता है? मेला. आप लोग जाते हो ना मेले के अंदर, कई ओकेशंस पे मेले भी लगते हैं, तो फेयर मतलब होता है मेला. तो एक दिन बॉबी मेले में उस सुंदरी को लेके जाता है. द बैंड वॉज प्लेइंग एंड एवरी वन वॉज स्माइलिंग. तो वहाँ पे क्या होता है? बाजा बज रहा होता है, बैंड बज रहा होता है और सब लोग स्माइल कर रहे होते हैं. द मैरी गो राउंड वॉज प्लेइंग अ हैप्पी लिटिल ट्यून. इट वॉज कैरिंग लॉट्स ऑफ बॉयज एंड गर्ल्स राउंड एंड राउंड ऑन इट्स वुडन एनिमल. मैरी गो राउंड, आप लोगों ने देखा होगा कि एक झूला होता है जिसपे एनिमल्स, लकड़ी के एनिमल्स बने होते हैं, उसके ऊपर बच्चे बैठ करके झूला झूल रहे होते. तो वहाँ पर जो है मैरी गो राउंड गोल गोल घूम रहा था और प्यारी सी ट्यून बज रही थी, यानी म्यूजिक चल रहा था और उसके लकड़ी के वुडन यानी लकड़ी के जानवरों के ऊपर, लकड़ी के जानवर जो झूले में लगे हुए थे उसके ऊपर बहुत सारे बच्चे यानी लड़का लड़कियाँ उस सब बैठ करके गोल गोल राउंड एंड राउंड घूम रहे थे. बॉबी लुक फॉर एन ओपन स्पेस वेयर ही कुड रन एंड फ्लाई हिज काइट. सुंदरी लुक्ड टू. अब बॉबी है ना जगह ढूंढ रहा था, एक ओपन प्लेस यानी खुला खुला आसमान या खुली जगह देख रहा था ताकि वो दौड़ करके उस सुंदरी को उड़ा सके. और सुंदरी भी देख रही थी. वन आउट इन द ग्रास रैन बॉबी होल्डिंग अप हिज काइट्स एज हाई ही कुड. उसने एक जगह देखा, ग्रास एक घास की जगह उसने देखी, वहाँ पर वो दौड़ा अपनी काइट को होल्ड करके पकड़ करके हिज काइट हाई एज हिज कुड. और उसकी जो काइट है उसकी जो सुंदरी है वो ऊपर उड़ने लगी. ठीक है, पफ द विंड केम अलोंग. सुंदरी स्टार्टेड टू फ्लाई अप. तभी है ना हवा आने लगी, हवा उड़ी और सुंदरी जो है वो ऊपर उड़ने लगी. बट शी कुड नॉट गो वेरी हाई. पर वो ज़्यादा ऊपर, हाई मतलब बहुत ऊपर, तो ज़्यादा ऊपर वो नहीं गई. बट शी कुड नॉट वेरी हाई. अ लिटल डॉग वॉज होल्डिंग ऑन हर लॉन्ग टेल. इट वॉज इन हिज माउथ. अब ये बता रहे हैं कि वो इतनी ऊपर क्यों नहीं उड़ी, क्योंकि हवा चल रही थी तो उसको ऊपर उड़ना चाहिए ना. लेकिन उसने देखा कि एक छोटे से पपी ने, एक डॉग ने, जो सुंदरी की जो ये टेल है, टेल जिसे कहते हैं जो काइट के नीचे जो पूंछ होती है ना उसको टेल कहते हैं. तो डॉग ने क्या हुआ, उसकी टेल अपने मुंह में पकड़ रखी थी. आप लोग देखोगे, देखो ये यहाँ पे एक डॉग बना हुआ है, इसने ना इस काइट की टेल को पकड़ के रखा हुआ, तो इसीलिए वो ज़्यादा ऊपर नहीं उड़ी. बॉबी शूक द डॉग अवे. बॉबी ने करा उस डॉगी को भगाने की कोशिश करी. वी विल ट्राई अगेन बॉबी सेड. मतलब हम फिर से ट्राई करेंगे, बॉबी ने कहा. दिस टाइम सुंदरी लीप्ड अप इन द एयर शी टक्ड हार्ड. अब इस बार क्या हुआ, सुंदरी हवा में उड़ने लगी और बहुत भारी हो गई. ओ हाउ टू हाउ शी वॉन्टेड बॉबी टू लेट गो हर स्टरिंग. शी गेव अ बिग टग. बॉबी हैड लेट हर गो
अब यहाँ पे क्या होता है कि जब सुंदरी हवा में उड़ी तो बहुत भारी हो गई थी, तो उसका जो थ्रेड होता है, जो धागा होता है, वो टूट जाता है। तो बॉबी ने सोचा कि अब उसे जाने दिया जाता है, ठीक है, तो वो धागा तोड़ देता है। वी क्राइड सुंदरी, नाउ आई कैन फ्लाई एज हाई एज हाई प्लीज। अब यहाँ पे क्या होता है कि सुंदरी जो है वो हवा में ऊपर उड़ने लगी। जब हम पतंग उड़ाते हैं तो हमारा या तो धागा टूट जाता है, या फिर जब काइट में वजन ज़्यादा हो जाता है, वो बहुत भारी हो जाती है, उसकी वजह से भी जो थ्रेड होता है, जो धागा होता है, वो टूट जाता है। तो यहाँ पे क्या होता है, शी गेव अ बिग टग, उसने वो तोड़ दिया। बॉबी हैड टू लेट हर गो, और बॉबी ने उसे काइट को जाने दिया। वी क्राइड सुंदरी, नाउ आई कैन फ्लाई एज हाई आई प्लीज, एंड अवे शी वेंट, शी फ्लू अप 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 इन द एयर। पतंग ने कहा, जो काइट को सुंदरी है, उसने कहा कि अब मैं ऊपर से ऊपर यानी ऊंचे से ऊंचे उड़ती चली जाऊंगी, और वो धीरे धीरे अप एंड अप एंड अप हवा में ऊंची ऊंची उड़ती चली गई। तो बच्चों, आप लोगों को चैप्टर समझ में आया कि इसमें बॉबी नाम का एक लड़का होता है, वो काइट बनाता है, उसका नाम रखता है सुंदरी, और फिर उसको फेयर में यानी मेले में लेके जाता है, फिर वहाँ पे उड़ाने की कोशिश करता है। बाद में क्या होता है, वो धागा टूटता है, वो भारी हो जाती है, और वो ऊपर आकाश में ऊंची 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 उड़ती चली जाती है। तो आप लोगों को चैप्टर में समझ में आया, इसको ध्यान से सुनिए, समझिए। थैंक यू सो मच।